अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मुल्क में बहुत कुछ आजकल गैर संवैधानिक हो रहा है। मुल्क के आईन संविधान को पसे पुष्ट डालकर मनमानी फैसले मनमानी कानूनों को मंजूरी दी जा रही है। धर्म के आड़ में संविधान का गला घोंटा जा रहा है। पर क्या भारत आज भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चल रहा है या नहीं, यह सवाल भी उतना ही अहम है। अब जब लुलू मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर हंगामा बरपा किया जा रहा है और तरह तरह के हथकंडे रोजाना अपनाकर मजहबी तशद्दुद का माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, वैसे भी भारत के मुख्तलिफ सरकारी दफ्तरों में यहां तक पुलिस थाने और अदालतों से लेकर जेलों में तक मंदिरों की तामीर की जा रही है, क्या यह संवैधानिक है? अगर मान लिया जाए कि आज भी भारत एक धर्म निरपेक्ष और जमहूरी मुल्क है तो फिर हिंदू राष्ट्र का एजेंडा चलाने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? और वैसे भी लुलू मॉल एक मुस्लिम ताजिर ने तामीर किया और निजी कंपनी में अपने मजहब के हिसाब से इबादत गाह या नमाज की जगह, इसी तरह कोई अगर हिंदू है तो मंदिर या फिर सिख है तो वो गुरुद्वारा वगैरह तामीर कर सकता है। लखनऊ के लुलू मॉल में नमाज पढ़े जाने पर विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि उसके कारकुनान मॉल में सुंदरकांड का पाठ करेंगे। हाल ही में पीएम मोदी ने नए संसद भवन की छत पर पूजा पाठ की। हालांकि संसद किसी एक धर्म या एक मजहब को मानने वालों का नहीं है या तो धर्म विशेष का नहीं है। अब बाकी धर्म को मानने वाले क्या करें? क्या मुसलमान नए संसद की छत पर कुरान खानी करें, सिख गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करें, ईसाई बाइबल का पाठ करें, पारसी अपने धर्म की पूजा करें, जैन अपने धर्म की पूजा करें, बौद्ध अपने धर्म की पूजा करें, जब सभी समुदायों के यानी कि सभी मजहब के मानने वालों के लोग भारतीय संसद के मेंबर हैं, तब इसमें भी एक ही धर्म विशेष की पूजा क्यों? लखनऊ का लुलू मॉल तो फिर भी निजी है और उसका मालिक भी मुस्लिम है। वो अपने मॉल में अपने मजहब की इबादत के लिए आजाद है, लेकिन देश का संसद भवन यानी पार्लियामेंट किसी एक मखसूस मजहब के मानने वाले लोगों की प्रॉपर्टी नहीं है। वह जितनी हिंदुओं की है उतनी ही बाकी बरादरान वतन के लोगों की है। तब वहाँ एक ही धर्म की पूजा करके दिगर मजाहिब को यह पैगाम दिया जा रहा है यहाँ उनका कुछ भी नहीं है। ताज्जुब तो यह है कि यह सब सेक्युलर संविधान को ताक पर यानी कि पसे पुष्ट डालकर किया जा रहा है। संविधान के रक्षक यानी कि मुहाफिज बने घूमने वालों को संविधान की रूह पर होता यह हमला नजर नहीं आता। इस वक्त भारत के नए शेर भी देखे गए जिनके दांत बाहर आए, लिहाजा अब नए भारत के नए शेर कहा जा रहा है। कुल मिलाकर यही पैगाम मुल्क के दिगर मजाहिब के लोगों को दिया जा रहा है कि आप दूसरे दर्जे के शहरी बनने के लिए तैयार रहो। और क्या इस तरह वजीर आजम के भारत जैसे धर्म निरपेक्ष मुल्क में संविधान को ही बालाए ताक रखकर सिर्फ एक ही मजहब की इबादत कर सकते और वो भी संसद की छत पर? अब तो सवाल उठाना भी लाजिम है, क्योंकि मुसलमान भी संसद भवन की छत पर कुरान खानी करें, क्योंकि भारत के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आबादी तो मुसलमानों की है। जब हर जगह पर जहां भी मुसलमान अपनी इबादत गाहों में इत्मीनान के साथ नमाज अदा करते हैं, वहां भगवान परचम लहराने की शरारत करते हैं, हनुमान चालीसा अजान के बदले पढ़ने के लिए मस्जिद दरगाहों के सामने जमा होते हो, अगर वाकई आज भी मुल्क का संविधान जिंदा है और धर्म निरपेक्षता जिंदा है तो फिर संसद की छत पर पूजा पाठ करना कहां तक दुरुस्त है? ऐसा सवाल भी अब पूछना भी लाजिम हो जाता है। भारत मुख्तलिफ मजाहिब भाषा जात पात तहजीबों का मुल्क है। सिखों ईसाई दलितों के भी धर्म ग्रंथ यानी उनके भी मुकद्दस किताबों की तिलावत क्यों ना की जाए, क्यों ना पढ़ा जाए, कुरान बाइबल गुरु ग्रंथ क्यों ना पढ़ी जाए, ऐसा सवाल भी अवाम की जानिब से किया जा रहा है। आज दिगर खबरों में अहम खबरें ये भी रही कि मोहम्मद जुबैर को तमाम मामलात में जमानत हासिल हुई, लिहाजा इन्हें आज रिहा किया गया। इसी तरह एक और मामले में 121 कबीलाई यानी आदिवासी लोगों को 5 साल जेल में नक्सलाइट की मदद के जुर्म में गिरफ्तार कर अदालत की जानिब से रिहा किया गया। इंसाफ का तमाशा भी देखिए, इन्हें 5 साल तक अंडर ट्रायल जेल में रखा गया और इन 5 सालों में महज 2 बार अदालत ले जाएगा। दलाल और चाटुकार मीडिया जहां सुबह शाम द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने को लेकर भाजपा मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक और ना जाने क्या क्या कहकर मोदी की इमेज को बढ़ाने की कोशिश करती है, वही इन 121 आदिवासियों को 5 साल तक फर्जी मुकदमों में फंसाने पर खामोशी अख्तियार किए हुए। इससे पहले आपने मुसलमानों के बारे में बारहा यही सुना होगा कि दहशतगर्दी के जुर्म में गिरफ्तार कर 4 साल से लेकर 15 साल तक जेल में रखकर अदालत की जानिब से बाइज्जत रिहा किया गया। अभी भी कर्नाटक के कई मुस्लिम नौजवानों पर दहशतगर्दी के इल्जाम लगाकर जेलों में रखा गया। कई साल गुजरे लेकिन कोई सुनवाई नहीं और कोई फैसला नहीं। उमूमन आदल इंसाफ की जबान में कहा जाए कि भले ही एक मुजरिम छूट जाए लेकिन कोई बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारत में आए दिन इस तरह के मामले देखे जाते हैं। भारत की आबादी में मुसलमानों का 14% बताया जाता है तो यही जेलों में जाकर मुसलमानों की आबादी 20% के करीब होने की इत्तला हासिल हुई है। यानी मुल्क में जितनी आबादी है उससे ज्यादा मुसलमान कैद में है। इसके बाद दलित पिछड़े तबकात और आदिवासियों की तादाद है, मतलब इंसाफ का कत्ल किस इंतहा तक जाकर वाजपेयी संकेत कर रहे हैं। इस पर
सभी भारतीयों को सोचने की जरूरत है। आज कैम शहरों की जानिब से वाटर बोर्ड दफ्तर के सामने एहतजाज कर पिछले 20 दिनों से पानी की सप्लाई ना होने पर अपना मुतालबा पेश किया। वाजा रहे कैम के शहरों ने तमाम पानी की बिल अदा करने के बावजूद भी पानी सप्लाई नहीं की जा रही। अगर आवाम बिल नहीं अदा करती तो पानी की सप्लाई फौरन काट दी जाती है। लेकिन अब भले ही लोग बिल का अदा करते हैं लेकिन KWS को पैसा जमा नहीं किया जाता। कहां गया लोगों का पैसा, क्यों बिल नहीं भरा गया, ऐसा सवाल भी किया जा रहा है। आखिर आवाम बिल अदा करने के बावजूद भी पानी की सप्लाई ना होने की वजह क्या है और यह सब वाटर बोर्ड या CEO को खुद वजाहत करने की जरूरत नहीं है क्या? सब कुछ जानने के बावजूद वाटर बोर्ड के अफसरान की जानिब से नौटंकी की जा रही है, आंखें मूंद कर जानबूझ कर बैठा जा रहा है। अगर जल्द इस मसले का हल नहीं किया गया तो DC दफ्तर के सामने बड़े पैमाने पर एहतजाज करने का इशारा आज दिया गया। बेलगाम जिला अस्पताल में एक बच्चे की मौत का मामला सामने आया, लिहाजा बच्चे के घर वालों ने जिला अस्पताल की लापरवाही और डॉक्टरों की लापरवाही को मौत के लिए इल्जाम लगाते हुए अस्पताल के सामने एहतजाज किया। इस वारदात के बाद एक बार फिर बिम्स पर सवालिया निशान लग रहा है। बेलगाम जिला अस्पताल को लेकर अक्सर सवाल खड़े किए जाते हैं। सहूलतों के साथ सफाई और दिगर मामला में भी हमेशा जिला अस्पताल सुर्खियों में रहता है। एक बार फिर बच्चे की मौत को लेकर जिला अस्पताल के डॉक्टरों को कटघरे में खड़ा किया जाए। होन्यार गांव की रहने वाली सुनीता नाम की खातून 8 दिन पहले जचकी के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इल्जाम ये है कि खातून के घर वालों ने पेट में दर्द बढ़ने पर सीजरीन की मांग की थी लेकिन डॉक्टर ने इस पर तवज्जो नहीं दी और बच्चे की मौत हो गई। ना वो होन्यार रे ईद मंग इवत बुधवार इल रे इव मंगलवार रात्रि ने एंट एरूवरे रात्रि एडमिट मे ना ओ नू आगे एंट दूस आती एंट दूस नू आगे बंद्रे इन इनू टाइम आगे ಹಂಗ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ಅವ್ರ ಅಂದ್ಕೂಡ್ಲೆ ಮರನೇ ದಿವಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ, 2 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೇವೆ, 3 ದಿವಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಔಷಧ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಏಕೆಜೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ ಚಕ್ಕೋತ್ ಬದ್ರಿ ಅವ್ರ ಆಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಸಿಜರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ತ್ರಾಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಏಕೆಜೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಬರತ್ತೇವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಅವ್ರ ಪೈಲದ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಒಯ್ಯೋದು ಹೊಳ್ತರೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು, ಔಷಧ ಹಾಕಿದೆವು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಓಪನ್ ಆಗೈತೆ 3.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಓಪನ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಮತ್ತು ಇವ್ರಂತಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಯಾಸಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಕೋದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ನಮಗೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಐತಿದ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ಗಳದಾರೋ ಏನು ಹಚಾಮತಿ ಮಾಡತ್ತಿರೋ ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ. ನಮ್ಮನ್ನ ಒಟ್ಟೆ ಯಾರು ಒಳಗೆ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ಗಳಾರ ಅಂತ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿಯವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿಯ ಹುಡುಗರನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಹಜಾಮತಿ ಮಾಡೋರನ್ನ ಅವರು ಸ್ವತಃ ದವಾಖಾನೆ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಇದ್ರೆ. आज एक वीडियो काफी वायरल हुआ है. उड़पी जिले के बैंदूर तालुका में शिरूर टोल गेट से एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस टकरा गई. इस वारदात में 4 लोगों की मौत हो गई और एक की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है. एम्बुलेंस मरीजों को उन्नावर से कुंदापुर ले जा रही थी, इसी दौरान तेज रफ्तारी और एम्बुलेंस ड्राइवर की लापरवाही के चलते एम्बुलेंस टोल से टकरा गई. नतीजतन एम्बुलेंस में सवार मरीज, मरीज की बीवी और एम्बुलेंस के स्टाफ की मौत हो गई. एक टोल अटेंडेंट शदीद जख्मी हो गया और उसे अस्पताल में भी भर्ती कराया गया. एक खातून 2 मर्दों की मौत हो गई. एम्बुलेंस में सवार मरीज की भी मौत हो गई. बेंदूर थाने में मामला दर्ज कर दिया गया. मयत उत्तर कन्नड़ जिले के होन्नावर के रहने वाले थे. होन्नावर के लोकेश माधव नाईक, उसकी बीवी ज्योति और रिश्तेदार गजानन नाईक, मंजुनाथ नाईक. मरीज लोकेश माधव नाईक को हादसे के समय उड़पी KMC अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा था. मरीज लोकेश माधव नाईक को श्रीदेवी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया. उसे आगे के इलाज के लिए KMC अस्पताल ले जाने की हिदायत दी गई थी. वह डॉक्टर के हिदायत पर अमल करते हुए एम्बुलेंस में तमाम सवार नेशनल हाईवे बेंदूर पर NH66 पर सफर कर रहे थे. इस समय टोल रोड पर एक गाय को टक्कर मारने से बचाने की कोशिश में 4 लोगों की मौत वाकई हुई. यानी कि एक गाय को बचाने के चक्कर में 4 लोगों को अपनी जान देने की नौबत पेश आई. यह हादसा आज शाम 4 बजे पेश आया. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़. शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.